हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो ऐसे में डिलीवरी रूम जाने से पहले आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी आसानी से हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि डिलीवरी रूम जाने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, या फिर डिलीवरी रूम जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपकी नॉर्मल और आसान डिलीवरी हो सके। अक्सर ऐसी गर्भवती महिलाएं जो पहली बार गर्भ धारण की होती हैं, उनके दिमाग में ये बात तो रहता ही है कि जब उनको लेवर पेन स्टार्ट होंगे यानी जब उनकी डिलीवरी होगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, जो कि एकदम नॉर्मल बात है। अक्सर सब ऐसा बोलते ही हैं कि डिलीवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, जब लेवर पेन स्टार्ट होते हैं और डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है तो आपको दर्द तो 100% होते ही हैं, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक बेबी बर्थ नहीं हो पाएगा। और कई बार बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को दर्द नहीं होते हैं, तो ऐसे में उन्हें दर्द आए जिससे कि उनकी डिलीवरी आसानी से हो सके, इसके लिए डॉक्टर उन्हें पेन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसलिए डिलीवरी के दौरान दर्द होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि डिलीवरी के दौरान आपको जो दर्द होता है आप उसे बर्दाश्त न कर सकें। बेबी डिलीवरी के दौरान आपको उतना ही तेज दर्द होता है जितना कि आप बर्दाश्त कर सकती हैं, और ये दर्द आपको तेज तब लगने लग जाता है जब आप दूसरों की सुनी गई बातों पर ध्यान देने लगती हैं। यानी अगर आपने ये सुना होता है, आपके दिलो दिमाग में ये बात होती है कि डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, तो ऐसे में सच में आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो दर्द हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और आप उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए जब आपको लेवर पेन शुरू होते हैं तो आप ये बिल्कुल न सोचें कि डिलीवरी के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द होंगे। आपको जब भी दर्द स्टार्ट हो तो आप ये सोचें कि अब थोड़ी ही देर में आपका बेबी बर्थ होने वाला है यानी आपकी डिलीवरी होने वाली है। जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो सब चीज़ भुलाकर इस बात की ओर ध्यान लगाएं कि आपको नीचे की तरफ पुश करना है। फ्रेंड, जैसे ही आपको लेवर पेन स्टार्ट होते हैं और लेवर पेन जितने ज़्यादा तेज होते हैं वैसे ही खुद ब खुद आपको हिम्मत मिलने लगती है कि आप नीचे की तरफ पुश करें। और ऐसे में अगर आप नीचे की तरफ पुश करने में अपना ध्यान लगा देती हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपको कितना तेज दर्द हुआ है या फिर आगे कितना तेज दर्द होगा। जब भी आपको लेवर पेन स्टार्ट होंगे तो आपके दिमाग में बस एक ही बात रहना चाहिए कि आपको नीचे की तरफ जोरों से पुश करना है। इसके अलावा आप अपने मन से सारे डर को खत्म करते सारी बातों को भूल जाएं, आपकी डिलीवरी इतनी आसान हो जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपका शिशु जन्म हो चुका है। डिलीवरी के समय पुश करते समय आप बस एक ही बात का ख्याल रखें कि आप पुश तभी करें जब आपको दर्द हो, बिना दर्द के पुश कभी न करें। और जब आप पुश करती हैं तो नीचे की तरफ आप जोर लगा के सांस को छोड़ें, और जब ऊपर की तरफ सांस लेती हैं तो बहुत ही धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ सांस लें, क्योंकि अगर आप जितना जोर लगा के नीचे की तरफ सांस छोड़ती हैं उतना ही जोर लगा के ऊपर की तरफ सांस ले लेती हैं तो ऐसे में गर्भ में शिशु पेट में ऊपर की तरफ ही रह जाता है, वो नीचे की तरफ नहीं आ पाता। इसके अलावा जब आपको लेवर पेन शुरू होते हैं तो आपको चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके टहलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टहलेंगी उस वक्त आपकी मांसपेशियाँ उतनी ही लचीली होंगी और आपका शिशु उतनी ही जल्दी पेट के निचले हिस्से में आ पाएगा यानी डिलीवरी पोजिशन में आ जाएगा। और यही वजह है कि अक्सर लेवर रूम में जाने से पहले डॉक्टर या फिर नर्स पेशेंट को जरूर टहलवाते हैं, उन्हें टहलने की सलाह देते हैं। अगर आप टहलते टहलते थक गई हैं और आप लेटना चाहती हैं और जब आप लेटी हैं तब आपको लेवर पेन हो रहे हैं तो पहला तो आप नीचे की तरफ पुश कीजिए और अपने कमर की रीढ़ की हड्डी के पास जहां आपको दर्द हो रहे हैं वहां हल्के हाथों से सहलाइए। ऐसा करने से आपको दर्द बहुत ही कम महसूस होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आपके अगल बगल जो पेशेंट है हो सकता है कि वो काफी ज्यादा चिल्ला रही हो, काफी ज्यादा हाथ पैर पटक रही हो, लेकिन आपको इन सब बातों को पूरी तरह इग्नोर करना है। आपको उनकी तरह बिल्कुल ही हाथ पैर नहीं मारना है, क्योंकि जब आपको लेवर पेन स्टार्ट होते हैं आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने लग जाती हैं या एक ही बार में सो जाती हैं, एक ही बार में उठ जाती हैं, तो ऐसे में आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत चांस होता है कि बच्चा गर्भनाल को अपने गले से लपेट ले या फिर बच्चा पेट में जितना ज्यादा हो सके ऊपर की तरफ चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपका दर्द तो बढ़ता चला जाता है लेकिन आपकी डिलीवरी जल्दी नहीं हो पाती। और बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ इन सब हरकतों के कारण ही नॉर्मल डिलीवरी भी सिजेरियन डिलीवरी में बदल जाती है। इसलिए जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो पूरा प्रिपेयर होकर जाएं, पूरी तरह से माइंड सेट करके जाएं कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब भी आपको पेन स्टार्ट हो तो आपको नीचे की तरफ पुश करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपको हल्के हल्के लेवर पेन हो रहे होंगे और आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएंगी तो डॉक्टर आपको पेन बढ़ने के इंजेक्शन देंगे जिससे कि आपका पेन बढ़ सके और आपके सर्विक्स एरिया का मुंह खुल सके। और सर्विक्स एरिया का मुंह जब तक 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाती। तो ऐसे में दो केस होते हैं। पहला कि जब डॉक्टर आपको पेन के इंजेक्शन देके जाएंगे तो हो सकता है कि डॉक्टर के आने तक
तक आपका पेन इतना ज्यादा बढ़ चुका हो और आपने इतनी अच्छे ढंग से समय समय पर पुश किया हो कि आपकी सर्विक्स एरिया का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाए और आप शिशु का सिर बाहर की तरफ दिखने लगे, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सीधे लेबर रूम ले जाकर आपकी डिलीवरी करवा देंगे। इसके अलावा दूसरा बात ये हो सकता है कि डॉक्टर ने आपको पेन बढ़ने के दवा और इंजेक्शन तो दे दिए हों, लेकिन आपका दर्द धीरे धीरे करके बढ़ रहा हो और आपकी सर्विक्स एरिया का मुंह भी धीरे धीरे करके खुल रहा हो, तो ऐसे में डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करते हैं और फिंगर के जरिए ही वो ये आसानी से पता लगा पाते हैं कि आपके सर्विक्स एरिया का मुंह कितना खुला है और कितना खुलना बाकी है जिससे कि आपकी डिलीवरी हो सके। और डॉक्टर ये फिंगर टेस्ट थोड़ी थोड़ी देर के बाद उतनी बार करते हैं जब तक कि उन्हें ये पता न लग पाए कि डिलीवरी के लिए अब आपका सर्विक्स पूरी तरह से ओपन हो चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको शर्म लगे, आप सेम फील करें, लेकिन फ्रेंड्स ये एकदम नॉर्मल है, ये लगभग सभी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ होता ही है, तो आप इस चीज से हिचके ना, शर्माए ना, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले आप एक बात का खास ख्याल रखें, वो ये कि आप अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर को अच्छी तरह से रिमूव कर लें, क्योंकि जब तक आप प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव नहीं करेंगे डॉक्टर आपकी डिलीवरी नहीं करवाएंगे। और अगर आप घर से प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करके नहीं जाती तो वहाँ नर्स आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करते हैं, क्योंकि जब बेबी बर्थ होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ऐसे में अगर आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया पर हेयर रहते हैं तो ब्लीडिंग जो है वो हेयर में लग जाते हैं और जब तक आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज न हो तब तक तो आप अपने आप को अच्छी तरह से साफ सुथरा नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको इन्फेक्शन लगने का चांस बन जाता है। तो इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले आप अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया को अच्छी तरह से साफ कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आप भी डिलीवरी रूम जाने से पहले इस बात का ख्याल रखिए कि आपको दूसरे की कही सुनाए गए प्रेशर पीड़ा के बारे में नहीं सोचना है, यानी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि डिलीवरी के समय काफी ज्यादा तेज दर्द होता है, दर्द इतना ही होता है जितना कि आप बर्दाश्त कर जाती हैं। और जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपको खुद ब खुद उस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत मिलती है, अंदर से ही आपको पुश करने की इच्छा भी होती है। बस यहाँ आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको पुश करने का तरीका सही पता होना चाहिए। अगर आप अपने सारे डर, घबराहट और शर्म को घर पे ही छोड़ के जाएंगी तो आप 100% श्योर हो जाएं कि आपको बहुत ही कम दर्द में और बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। फ्रेंड्स नॉर्मली तो ये बातें सबको पता ही होती है, चाहे उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर सेकंड प्रेगनेंसी हो, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग या सगे संबंधी उनको इस बात की जानकारी दे ही देते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी भी होती है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है लेकिन उनके घर में उनको सजेस्ट करने के लिए, उन्हें सही या गलत बताने के लिए घर के कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होते, तो उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।